Good morning, students. So today I am going to explain a new topic, that is position time graph. Position, rest, motion and motion in one dimension and velocity, ye sab cheeze jo hai main ek previous video mein already explain kar chuka hun. So today I am going to explain about the position time graph. Okay, isme main aapko bataunga ki position time graph kya hota hai, usse hum kya find out kar sakte hain aur alag-alag ग्राफ्स पोजीशन टाइम ग्राफ के कैसे कैसे ग्राफ पॉसिबल ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ के हो सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में. ये पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ है. ठीक है, यहाँ पर दो एक्सिस होंगी, एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा. एक्स एक्सिस में जनरली हम टाइम को लेते हैं, वाई एक्सिस में हम जनरली पोजिशन को लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी मोशन कर रही है और मोशन कर रही है तो टाइम के साथ उसका पोजीशन बदल रहा होगा. बॉडी मोशन कर रही है तो टाइम के साथ उसका पोजीशन बदल रहा होगा. तो उस पोजीशन को अगर हम टाइम के साथ एक ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट कर देते हैं, देन दैट ग्राफ इज नोन एज द पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसमें जनरली हम टाइम को एक्स एक्सिस में रखते हैं एंड पोजीशन को वाई एक्सिस में रखते हैं जनरली. बट इट इज नॉट सो फिक्स्ड थिंग, आपके ऊपर डिपेंड करता है. बट मोस्ट ऑफ द केसेस हम टाइम को एक्स एक्सिस और पोजिशन को वाई एक्सिस में रखते हैं. पोजिशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से एंड टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम टी से. एंड दिस पोजिशन मे बी इन द मीटर्स एंड टाइम मे बी इन द सेकेंड्स. सो ये है पोजिशन और टाइम के बीच का ग्राफ. अब सेकेंड इंपॉर्टेंट बात आती है कि पोजिशन टाइम ग्राफ हमें क्या दे सकता है, पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें क्या चीज मिल सकती है. तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें मिलता है वेलोसिटी. ओके, ये हमें देता है वेलोसिटी. अब हम देखेंगे हमें कैसे वेलोसिटी देगा उसके बारे में. हम लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ. हमने एक बॉडी ले लिया जो मोशन कर रही है एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस और हमने इस तरफ टाइम को प्लॉट किया है जो कि हमने सेकेंड्स में लिया है और इस तरफ हमने पोजीशन लिया है जो मीटर्स में लेके रखा है. तो बॉडी ने कुछ मोशन किया और बॉडी कुछ ऐसे चली गई. ओके, अभी हम ग्राफ के ऊपर नहीं जा रहे हैं कि ग्राफ हमें क्या बता रहा है, हम जस्ट समझ रहे हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या दे सकता है. सो मैं कोई दो इंस्टेंट ले लेता हूँ टी वन और मैं कहता हूँ कि टी वन इंस्टेंट पे या टाइम पे मेरी बॉडी का ये पोजिशन था जिसे मैंने एस वन नाम दे दिया. फिर थोड़ी देर बाद मैंने एक और इंस्टेंट लिया टी टू और इस पे मेरे बॉडी का क्या पोजीशन था, मैंने उसका नाम ले लिया S2, रख दिया S2. तो S2 की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ मिलेगी और S1 की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी, टाइम की हमें यहाँ और यहाँ मिल रही है. ओके, सो लेट अस कंसीडर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज थीटा. अब आप वेलोसिटी के फॉर्मूले में जाइए. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज लाइक चेंज इन पोजिशन डिवाइड बाई टाइम इंटरवल. सो व्हाट इज द चेंज इन पोजिशन, मैं इन दो इंटरवल्स की बात कर रहा हूँ, टी वन और टी टू की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कितना बदलाव हुआ है पोजिशन में. सो जो चेंज आया है पोजिशन में दैट इज एस टू माइनस एस वन फॉर विच इंटरवल दैट इज टी टू माइनस टी वन और मैं इस चीज से अपना वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ. ओके, साथ ही साथ में आप एक चीज और देखेंगे यहाँ पर, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द स्लोप. स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब y साइड के दो वैल्यूज और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग x साइड के दो वैल्यूज को अगर हम ऐसे फॉर्मूले में लिख लेते हैं y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, सो वो हमें डायरेक्टली दे देता है स्लोप, उस ग्राफ का स्लोप. अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे एस टू माइनस एक्स वन टी टू माइनस टी वन, ये भी एक तरह से इस ग्राफ का स्लोप ही है. दीज बिलोंग टू दिस y2 टू माइनस वाई वन, दीज बिलोंग टू x2 माइनस एक्स वन. सो ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये बेसिकली इस ग्राफ की स्लोप ही है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि st ग्राफ का स्लोप हमें दे सकता है, जस्ट वन मिनट, st ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे सकता है, हमें वेलोसिटी दे सकता है. st ग्राफ का स्लोप हमें डायरेक्टली वेलोसिटी अपनी दे रहा है. दो चीजें हो गई हमारे पास, एक तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगा के वेलोसिटी निकाला और हमने यहाँ से एक रिजल्ट निकाला कि ये जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है जो हमें ये बता रहा है कि अगर आप एस टी ग्राफ का स्लोप भी ले लेंगे तो आप डायरेक्टली अपनी वेलोसिटी हासिल कर लेंगे. ओके, एक और चीज, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हम सभी जानते हैं. तो हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं,
अगर हम ध्यान से देखेंगे तो टेन थीटा भी बेसिकली एस टू माइनस एस वन अपॉन टी टू माइनस टी वन आ जाएगा। अगर हम इस ट्राइंगल जो बन रहा है यहाँ पर इसे देखेंगे सो टेन थीटा इज एस टू माइनस एस वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। सो इट मीन्स स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा एंड ये सब चीजें जो है हमें अल्टीमेटली वेलोसिटी दे रही है। ओके स्लोप का मतलब ये जो ढलान है वहां पर उसे हम स्लोप कहते हैं। तो हमें स्लोप एज वेल एज टेन थीटा सब एक ही मतलब है इनका, ये सभी हमें यहाँ पर वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हमने एक बात सीख लेनी है एस टी ग्राफ से कि एस टी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। ओके और अब स्लोप है टेन थीटा के बराबर तो मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू टेन थीटा हम लिख लेंगे। सो टेन थीटा की वैल्यू भी हमें डायरेक्टली वेलोसिटी दे पाएगी। सो वी हैव टू थिंग्स जो कि हमारा काम आसान बना देगी वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द स्लोप और वी जस्ट लुक एट द एंगल। हम एंगल की तरफ भी देखेंगे और उसका टेन लेंगे हमें डायरेक्टली वेलोसिटी मिल जाएगा। बट इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल बन रहा है टाइम एक्सिस के साथ, ये एंगल बन रहा है टाइम एक्सिस के साथ। सो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, कई बार पेपर में एंगल दिया होता है लेकिन वो दिया होता है पोजीशन एक्सिस के साथ तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो आपको वहां पर माइनस करना पड़ता है 90 डिग्री से, देन यू विल गेट योर ओरिजिनल थीटा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। सो द स्लोप ऑफ द एस टी ग्राफ गिव्स अस द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। तो ये बात होगी कि हमें यहाँ से क्या मिल सकता है। इसके बाद आई विल शेयर सम ऑफ द डिस्कस सम ऑफ द डिफरेंट पोजिशन टाइम ग्राफ्स, डिफरेंट पोजिशन टाइम ग्राफ्स कैसे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ये पहला ग्राफ है एंड दिस इज क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये टाइम है, ये पोजिशन है। ओके अभी हमें रिजल्ट क्या मिला है, रिजल्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये हमारा रिजल्ट है एस टी ग्राफ का, स्लोप टेन थीटा वेलोसिटी सब कुछ हमें मिल सकता है। नाउ आई एम कमिंग टू डिफरेंट पोजिशन टाइम ग्राफ्स। लाइक अगर आपके पास एक कोई ऐसा ग्राफ है सो ये ग्राफ आपको बता रहा है कि टाइम के साथ आपकी बॉडी की पोजीशन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो रहा है। सो इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस केस एंड यू टेक वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब पार्टिकल की कोई वेलोसिटी नहीं है क्योंकि वो रेस्ट में है। तो रेस्ट वाली बॉडी का पोजिशन टाइम ग्राफ कुछ आपको ऐसा मिलेगा। सेकेंड मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं एस और टी के बीच में। अगेन ये अगर आप यहां से देखेंगे, ये ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको दिख रहा है कि जो बॉडी का पोजीशन है उसमें बदलाव तो हो रहा है टाइम के साथ, लेकिन इस ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्लोप है यहां पर, कांस्टेंट स्लोप। ओके इस ग्राफ की कांस्टेंट स्लोप है, बॉडी का पोजीशन तो बदल रहा है टाइम के साथ लेकिन ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है। ये आपको बता रहा है कि बॉडी का जो पोजीशन है वो यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। इट मींस इस मोशन के दौरान आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। सो इफ यू हैव अ कांस्टेंट स्लोप टाइप पोजीशन टाइम ग्राफ इट इंडिकेट्स दैट यू आर गोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो स्लोप कांस्टेंट मींस योर पोजीशन आर चेंजिंग बट योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग दैट मोशन। ओके सो नाउ आई एम कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ। मैं एक थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ के ऊपर आता हूँ एंड ये कुछ ऐसा ग्राफ है लाइक एस टी। अब इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे कि पोजीशन में ज्यादा बदलाव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम उतना फास्ट चेंज नहीं कर रहा है जितना फास्ट जो है आपका पोजीशन बदल रहा है। ओके इस चीज का मतलब है कि आपका जो वेलोसिटी है वो इनक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। सो दिस पोजिशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स दैट योर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन दिस केस। नाउ आई एम कमिंग टू द फोर्थ ग्राफ जिसमें कुछ ऐसा आपको ग्राफ मिल रहा है, आई थिंक ऐसा ही है एस टी के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ आपको अगर मिल रहा है तो आप देख रहे हैं कि जो इस कर्व का जो झुकाव है वो टाइम एक्सिस की तरफ है, टाइम एक्सिस की तरफ है। जो अब टाइम जो है ना फास्ट बदल रहा है, पोजीशन उतना फास्ट नहीं बदल पा रहा है। सो ये ग्राफ आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका वेलोसिटी मोशन का डिक्रीज कर रहा है, ये वेलोसिटी डिक्रीजिंग का ग्राफ है एंड दिस पोजीशन टाइम ग्राफ इज हमें पता है कि हमें वेलोसिटी देता है लेकिन उस केस में वेलोसिटी कैसी है, वो बढ़ रही है घट रही है, वो यहाँ से हमें दिख रहा है कि वो यहाँ से डिक्रीज हो रही है। ओके एंड
two or three more graphs हमारे पास यहाँ पर हैं. I'm just going to show that. This is S and this is T. We have a that type of graph. हमारे पास ये कुछ ऐसा एक graph है. So इस graph में भी slope तो constant है. Okay? Slope तो constant है. लेकिन ये graph हमें बता रहा है कि body जो है अपने initial position की तरफ वापस आ रही है. So this constant slope यहाँ पर है. लेकिन ये graph जो है हमें generally मतलब ये graph हमें negative displacement के बारे में बता रहा है. It tells us about the negative displacement because in this case your slope is negative. Your slope is negative. So but it is constant. But this slope is negative. So indicates that it is a graph of negative displacement. Okay. So इस case में आप अपने वापस original position की तरफ आ रहे हैं. आपका velocity constant है क्योंकि आपका slope constant है. But आपका displacement यहाँ पर negative है. और मैं एक और graph जो है plot करने जा रहा हूँ अभी. And ये एक graph है जो कई बार exams में पूछ लिया जाता है. And ये इस तरह का graph है. This is your time and this is your position. So is it possible or not? This graph is not possible because at one time you have two different positions. एक time पे एक समय पे आपकी दो अलग अलग positions हैं, तो ये graph possible नहीं हो पाता है. Okay? And in last I have one more graph. And this graph is like that कि ये कुछ आप ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए. So ये आपका time है, ये आपका पोजीशन है. जिसे मैं अभी पी लिख रहा हूँ, बट जनरली हम ऐसे लिखते हैं. सो इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जो स्लोप है वो लगातार बदल रही है इस जर्नी के लिए जो हमने यहाँ से यहाँ किया है. सो ये ग्राफ हमें इंडिकेट कर रहा है कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में हमारा जो वेलोसिटी था वो डिफरेंट था. डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में हमारा जो मोशन का वेलोसिटी है मोशन के दौरान वो डिफरेंट है क्योंकि स्लोप्स डिफरेंट है यहाँ पर. सो इस जर्नी में हमने डिफरेंट वेलोसिटी से जर्नी करके रखी है. सो दीज आर द पोजिशन टाइम ग्राफ्स जो कि हमें क्लियरली बता देते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी जीरो है. तो अगर कोई रेस्ट में बॉडी होगी तो उसका वेलोसिटी जीरो होगा. उसका जो आपने ग्राफ देखा ये पहला वाला ग्राफ कैसा था. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस पोजिशन टाइम ग्राफ एंड देयर इंपॉर्टेंस. एंड इन लास्ट दिस पोजिशन टाइम ग्राफ्स विल गिव यू द वेलोसिटी. Their slope will give you the velocity and you can check also from the tan theta because tan theta hi basically wahan par slope hai. Oh, so with that, thank you very much.